नमस्कार, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं प्रीति रिंगल। आइए एक नजर केपी एक्सप्रेस में कर्नाटक की सुर्खियां पर। विधायक रहीम खान ने दीपावली पर सभी को बधाई दी। उपचुनाव में कांग्रेस के हर कार्यकर्ता की जीत हुई है, कहा राहुल गांधी ने। आयकर विभाग ने पकड़ी 70 करोड़ रुपए की अघोषित संपत्ति। के एस ईश्वरप्पा ने तंज कसते हुए कहा, हंगल के मतदाताओं ने सहानुभूति से कांग्रेस का समर्थन किया। एचआईवी संक्रमित यौन कर्मी बाहर निकालना चाहते हैं, सरकारी सहायता के अभाव में। कर्नाटक में निजी अस्पतालों के साथ 6 लाख कोवैक्सीन की खुराक, सेल्फ लाइन बढ़ाई गई। कर्नाटक में 34,000 बच्चे स्कूल से बाहर, बीबीएमपी सीमा में 6,000। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कावेरी पोर्टल में बदलाव की वकालत की, ताकि 11 ई स्केच पर जोर ना दिया जा सके। स्विकी ने हैक की कई क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन ट्रेडर को बेचने के इस्तेमाल किया, जांच में खुलासा। दोनों सीटों पर करारे हाथ से जेडीएस की जमीन खिसकी। कर्नाटक के अधिकांश हिस्सों में अक्टूबर में अधिक या अत्यधिक बारिश हुई, KSNDMC। उपचुनाव परिणामों का 2023 कर्नाटक विधानसभा चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा, येडियुरप्पा। सिद्धरमैया ने हंगल में भाजपा की हार को मुख्यमंत्री मुंबई की हार बताई। हंगल उपचुनाव में हार मान स्वीकार, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्बई। पुनीत राजकुमार के एक और प्रशंसक ने जीवन समाप्त किया। पर्यटन को बढ़ावा, कोप्पल डीसी ने टैंक में डुबकी लगाई। 24 चोरी के मामले, 7 हाथ लगे मंगलोर। केपी एक्सप्रेस कर्नाटक में अब तक इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज, ताजा खबरों के लिए धन्यवाद।